नमस्कार, स्वागत है आपका शिव पुराण में। किसने और क्यों श्री कृष्ण को दिया था सुदर्शन चक्र, जानिए रहस्य। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र कैसे और क्यों आया, अर्थात श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र किस तरह प्राप्त किया। इसी संबंध में हम आपके लिए वी सावंत जी की किताब युगांधर के कुछ अंश निकाल कर लाए हैं। सुदर्शन चक्र की प्राप्ति और उसके प्रथम संचालन का अद्भुत वर्णन। कंसवध के बाद श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा था। कंसवध के बाद मथुरा में शक्तिशाली मगध के राजा जरासंध के आक्रमण बढ़ गए थे। मथुरा में उस समय यादव राजा उग्रसेन का आधिपत्य था। श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे अकेले के कारण यादवों पर चारों ओर से घोर संकट पैदा हो रहा है। मेरे कारण यादवों को किसी प्रकार का संकट ना हो, यह सोचकर भगवान कृष्ण ने बहुत कम उम्र में ही मथुरा को छोड़कर किसी अन्य जगह पर सुरक्षित शरण लेने की सोची। दक्षिण में यादवों के चार राज्य थे। पहला राज्य आदि पुरुष महाराज यदु की चार नाग कन्याओं से प्राप्त चार पुत्रों ने स्थापित किया था। यह राज्य मुचकुंद ने दक्षिण ऋक्षवान पर्वत के समीप बसाया था। दूसरा राज्य पद्मावत महाबलेश्वरम के पास था। यदुपुत्र पद्मवर्ण ने उसे समहाद्री के पठार पर वेन्या नामक नदी के तट पर बसाया था। पंचगंगा नदी के तट पर बसी करवीर नामक वेदकालीन विख्यात नगरी भी इसी राज्य के अंतर्गत आती थी। उस पर श्रृंगाल नामक नागवंशी मांडलिक राजा का आधिपत्य था। करवीर नगरी को दक्षिण काशी कहा जाता था। उसके दक्षिण में यदुपुत्र सारस का स्थापित किया हुआ तीसरा राज्य क्रौंचपुर था। यहाँ क्रौंचपुर नामक पक्षियों की अधिकता थी, इसलिए इसे क्रौंचपुर कहा जाता था। वहाँ की भूमि लाल मिट्टी की और उर्वरा थी। इस राज्य को वंशस्थली राज्य भी कहा जाता था। चौथा राज्य यदुपुत्र हरित ने पश्चिमी सागर तट पर बसाया था। इन चारों राज्यों में अमात्य विप्रिथु ने पहले ही दूतों द्वारा संदेश भिजवा दिए थे कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। पद्मावत राज्य में वेन्या नदी के तट पर भगवान परशुराम निवास करते थे। महेंद्र पर्वत से अर्थात पूर्व समुद्र से परशुराम नौकाओं में अपने अनेक शिष्यों के साथ पद्मावत राज्य आए थे। संपूर्ण आर्यवर्त में मंत्र सहित ब्रह्मास्त्र विद्या देने की क्षमता रखने वाले इन्हें गिने पुरुषों में वे सर्वश्रेष्ठ थे। उनके चमत्कार और शक्ति के किस्से सभी को मालूम थे। उनके शिष्य आर्यवर्त में सर्वत्र फैले हुए थे। उनके प्रत्येक राज्य में अनेक आश्रम थे। दाऊ से विचार विमर्श कर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि सबसे पहले उन्हीं से मिला जाए। उनसे मिलने के लिए कई नदियों और अरण्यों को लांघते हुए समीपवर्ती विदर्भ राज्य की सीमा पर गोदावरी नदी पार करते हुए वे सभी अश्मक राज्य में आ गए। श्री राम ने जहाँ निवास किया था उस कुंतल राज्य के जनस्थान पर्वत नासिक परिसर के बाई ओर से भीमा नदी को पार करते हुए वे सभी पद्मावत राज्य की सीमा में दाखिल हो गए। परशुराम के आश्रम में श्री कृष्ण कृष्णा और कोयना के संगम पर सभी ने स्नान किया। फिर करहाटक तीर्थ क्षेत्र को पार कर वे वेन्या नदी के परिसर में आ गए। सभी के स्वागत के लिए परशुराम द्वारा भेजे गए कंधों पर चमकते हुए परशु लिए दो जटाधारी उनके पास आ खड़े हुए। यहाँ तक की यात्रा में लगभग डेढ़ माह बीत चुका था। आश्रम के प्रवेश द्वार पर भृगुश्रेष्ठ परशुराम और सांदीपनी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। दोनों ने श्री कृष्ण और दाऊ को गले लगा लिया। आश्रम में परशुराम ने सभी को फलाहार खिलाया और सभी के रुकने और विश्राम करने की व्यवस्था की। विश्राम आदि के बाद परशुराम ने कहा कि अब मेरी सलाह है कि तुम अपने साथियों के साथ नैसर्गिक संरक्षण प्राप्त गोमंतक पर्वत पर चले जाओ। तुम्हारे लिए मैंने अब तक एक अमूल्य उपहार संभाल कर रखा है। अपने हाथों से उसे सौंप कर मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। अन्य किसी को वह मैं दे नहीं सकता, किसी योग्य व्यक्ति का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी योग्य समय नहीं आया। अभी तुम गोमंतक पर्वत पर जाओ। श्री कृष्ण पहुँच गए गोमंतक पर्वत। उल्लेखनीय है कि गोमंतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेन्तेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह से अपंग हो गए थे। जब वे कृष्ण से मिले तो उनमें एक नया संचार हो गया। उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। गोमंतक पर्वत पार करके सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था और उसके पार लगभग 32 किलोमीटर दूर कुशस्थली थी, जिसे बाद में द्वारिका कहा गया। यहाँ पर दाऊ और श्री कृष्ण ने अपने कुछ साथियों सहित संपूर्ण पर्वत को घूम घूम कर देखा।
जंगल का मुआयना किया। गोमंतक पर्वत यादवों के एक पड़ाव व एक सैन्य शिविर में बदल गया। यहाँ आए हुए यादवों को अभी एक माह ही हुआ था कि जरासंध की सेना वहाँ आ धमकी। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हार और हताश के कारण जरासंध ने गोमंतक पर्वत के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया। बाद में यादवों ने दक्षिण देश की सेना से हाथ मिलाया और जरासंध व शिशुपाल पर अचानक एक शक्तिशाली आक्रमण किया। मगध और चेदियों के शस्त्र संभालने के पहले ही युद्ध आरंभ हो गया। अंततः सभी भाग गए और जहां जरासंध और शिशुपाल ने पड़ाव डाला था, वहीं यादवों की सेना ने पड़ाव डालकर विश्राम किया। परशुराम पधारे गोमंतक पर्वत पर। इस विजय के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई दाऊ और साथी विप्रथु और कुछ गिने चुने यादवों के साथ परशुराम से मिलने गए और उनको जरासंध के आक्रमण का हाल सुनाया। श्री कृष्ण ने कहा कि उस निर्दयी ने गोमंतक जैसा अद्भुत पर्वत जला डाला। तब परशुराम ने कहा, हे श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारी आंखों में अपना उत्तराधिकारी दिखाई दिया है, अतः मैं आज तुमको वह उपहार सौंपता हूँ जिसके तुम ही एकमात्र योग्य हो और उसके बारे में मैं तुम्हें अपनी पहली मुलाकात में बताया था। अब वह समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सौंप दूँ। तब परशुराम ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे, ऐसे मंत्र जो श्री कृष्ण ने पहले कभी नहीं सुने थे। तभी तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और संपूर्ण आश्रम प्रकाश से भर गया। दाऊ, श्री कृष्ण आदि सभी की आंखें चौंधिया गई। जब प्रकाश मध्यम हुआ तब उन्होंने देखा कि परशुराम की दाहिनी तर्जनी पर 12 आरों वाला वज्रनाभ गर गर घूमने वाला सुदर्शन चक्र घूम रहा है। उसे देखकर सभी चकित होकर भयभीत हो गए। परशुराम की तर्जनी पर घूमता हुआ चक्र स्पष्ट दिखाई दे रहा था। परशुराम ने नेत्र संकेत से श्री कृष्ण को नजदीक बुलाया और कान में कहा, प्रत्यक्ष ही देखो इस सुदर्शन चक्र के प्रभाव को। उन्होंने मंत्र बुदबुदाते हुए उस तेज चक्र को प्रक्षेपित कर दिया और वह तेज गति से वेनिया नदी को पार कर आंखों से ओझल हो गया। कुछ ही देर बाद वह पुनः लौटता हुआ दिखाई दिया और वह उसी वेग से लौटकर पुनः तर्जनी उंगली पर स्थिर हो गया। परशुराम ने पुनः कुछ मंत्र बुदबुदाया और वह जैसे प्रकट हुआ था वैसे ही लुप्त हो गया। तब परशुराम ने श्री कृष्ण को आचमन कराकर उनको सुदर्शन की दीक्षा देकर कहा कि आज से मेरे इस सुदर्शन चक्र के अधिकारी तुम हो गए हो। हे वासुदेव, इसकी जन्म कथा तो तुम जानते ही हो। पहले यह शिव के पास था। इससे त्रिपुरासुर की जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद यह विष्णु। ऐसा बोलकर परशुराम मुस्कुराने लगे। विष्णु क्या है, यह मैं तुम्हें क्या बताऊं वासुदेव? श्री कृष्ण, तुम जानते ही हो, विष्णु के बाद यह चक्र अग्नि के पास था। अग्नि ने वरुण को दिया और वरुण से यह मुझे प्राप्त हुआ। हे वासुदेव, बलराम के हल से इस धरती में बीज बोने हैं और इस सुदर्शन चक्र से इस धरती की रक्षा करनी है। आज से यह तुम्हारा हुआ, जिम्मेदारी से इसका उपयोग करना। जब पहली बार श्री कृष्ण ने किया सुदर्शन चक्र का प्रयोग, श्री कृष्ण और दाऊ के मुख से सुदर्शन प्राप्त करने वाली घटना सुनकर सत्यकी तो सुन रह गया। यादवों के हर्ष का ठिकाना नहीं था, उत्सव जैसा माहौल था। अत्यंत हर्ष के साथ दो दिनों तक भृगु आश्रम में रहने के बाद क्रौंचपुर के यादव राजा सारस के आमंत्रण पर उनके राज्य के लिए निकल पड़े। उनके सेनापति उनकी एक टुकड़ी के साथ उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। राजा सारस ने एक विशेष राज्यसभा का आयोजन किया। राजा सारस ने सभी अतिथियों को सालंकृत सुशोभित छत्र और अश्वों सहित राजरक्ष उपहार में दिए थे। कृष्ण को अपने अश्व दारुक शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक अश्वों की याद आ गई। रथों को देखकर उनको अपने गरुड़ ध्वज रथ की भी याद आ गई। वहीं पर अब कृष्ण को लगने लगा था कि उनको मथुरा लौट जाना चाहिए। अब किसी भी प्रकार का भय नहीं रहा, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र जो है, मुझे मथुरा लौटकर अपने बंधु बांधवों की रक्षा करनी है। श्री कृष्ण ने वहां से विदा होने से पहले राजा सारस से सहायता करने का वचन लिया। वहां से ताम्रवर्णी नदी पार कर घटप्रभा तट पर आ गए। वहां एक सैन्य शिविर में सत्यकी के साथ मथुरा जाने की योजना बनाने लगे। यात्रा में आने वाली रुकावटों पर चर्चा करने लगे। इस महत्वपूर्ण सभा में दक्षिण देश के चारों राज्यों के सेनापति भी शामिल थे। सभी अपनी अपनी राय रख रहे थे। श्री कृष्ण सभी की सुन रहे थे।
लेकिन उनका मन तो सुदर्शन चक्र के मंत्र में ही खोया हुआ था। जब से उनको यह प्राप्त हुआ तब से उनकी मानसिक दशा बदल चुकी थी। वे उसकी शक्ति, कार्यों और उसके उचित समय पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगे थे। अब उनकी दृष्टि दूर तक भविष्य में उड़ान भरने लगी थी। शक्ति का यह आभास देह, मन और काल से भी परे था। वे अब साधारण मानव नहीं थे। श्री कृष्ण सुदर्शन के बारे में सोच रहे थे, तभी गुप्तचर विभाग एक प्रमुख हट्टे कट्टे नागरिक को पकड़कर उनके सामने ले आया। नागरिक ने करबद्ध अभिनक कर कहा, मैं करवीर का नागरिक हूँ, आपसे न्याय मांगने आया हूँ। हे श्री कृष्ण महाराज, पद्मावत राज के करवीर नगर का राजा श्रृंगाल हिंसक वृत्ति का हो गया है। वह किसी भी स्त्री, संपत्ति और भूमि को हड़प लेता है। कई नागरिक उसके इस स्वभाव से परेशान होकर राज्य छोड़ने पर मजबूर हैं। क्या मुझे भी राज्य छोड़ना पड़ेगा? श्री कृष्ण उठकर उसके समीप गए और कहा, हे श्रेष्ठ, मैं किसी राज्य का राजा नहीं हूँ, ना मैं किसी राज्य का स्वामी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूँ। वह नागरिक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और सुरक्षा की भीख मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने सेनापति सत्यकी की ओर मुखातिब होकर कहा कि हम करवीर से होते हुए मथुरा जाएंगे। श्री कृष्ण और उनकी सेना करवीर की ओर चल पड़ी। पद्मावत राज्य के मांडलिक श्रृंगाल का पंचगंगा के तट पर बसा करवीर नामक छोटा सा राज्य था। करवीर के दुर्ग पर यादवों की सेना ने हमला कर दिया। दुर्ग को तोड़कर सेना अंदर घुस गई। श्रृंगाल और यादवों की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण राजप्रसाद तक पहुंच गए। ऊपर श्रृंगाल खड़ा था और नीचे श्री कृष्ण। श्रृंगाल ने चीख कर श्री कृष्ण को कहा, यह मल्लों की नगरी करवीर है, तू यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, मैं यहीं का सम्राट हूँ। तभी कृष्ण का मन मचल गया उस सुदर्शन चक्र का प्रयोग करने को। अब मौका था उसे आजमाया जाए। उन्होंने मंत्र बुदबुदाया और चमत्कार हुआ। उनकी तर्जनी उंगली पर गरगर करने लगा वह प्रलंकारी चक्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन का पहला प्रक्षेपण कर दिया। पलक झपकने से पहले ही वह श्रृंगाल का सिर धड़ से अलग कर पुनः उंगली पर विराजमान हो गया। दोनों ओर की सेनाएं देखती रह गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण को भी समझ में नहीं आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सभी अवाक रह गए। आश्चर्य की चक्र में रक्त की एक बूंद भी नहीं लगी हुई थी। करवीर नगरी श्रृंगाल से मुक्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने श्रृंगाल के पुत्र शुक्रदेव को वहाँ का राजा नियुक्त कर दिया तथा उसको उपदेश देकर वे वहाँ से चले गए। वहाँ के बाद कुंतक, अश्मक जनपदों को पीछे छोड़ते हुए यादवों की सेना ने विदर्भ में पड़ाव डाला। जहाँ पड़ाव डाला था वहाँ से कुछ योजन दूर पर ही कौंडिन्यपुर था, जहाँ के राजा भीष्मक जरासंध से हाथ मिला चुका था। उनका पुत्र रुक्मी था, जो शिशुपाल का मित्र था। रुक्मी की बहन ही रुक्मणी थी, उसके और भी भाई थे। यहाँ से चलने के बाद एक माह की कठिन यात्रा के बाद यादव सेना दंडकारण्य पार कर अवंती राज्य के भोजपुर नगर में पहुँच गई। यह कुंती बुआ के पालक पिता राजा कुंती भोज का नगर था। यहाँ अचानक ही श्री कृष्ण की गर्ग मुनि से भेंट हुई। वे पश्चिम सागर तट पर स्थित अजित तंजय नगर के यवन राजा से मिलकर आ रहे थे। श्री कृष्ण के पास इसी नाम से एक धनुष भी था। दूर गांधार काबरा नदी के प्रदेश के लोगों को यवन कहा जाता था। अंततः कुछ दिन कुंती भोज के नगर में विश्राम करने के पश्चात वे यादव सेना सहित मथुरा में पहुंच गए। यहां महाराजा उग्रसेन, तात वसुदेव, भ्राता उद्धव और अन्य विशिष्ट यादवों ने उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण के मथुरा पहुंचने से पहले ही जरासंध पर उनकी विजय का समाचार भी पहुंच गया था। वहां उन्होंने वसुदेव को उनकी बहन कुंती और उनके पुत्र पांडवों की रक्षा का वचन दिया। यहीं रहकर उन्होंने विदर्भ राज्य की पुत्री रुक्मणी का अपहरण कर उसके साथ विवाह भी किया। तो दोस्तों, यह था श्री कृष्ण के सुदर्शन प्राप्ति और प्रथम संचालन का अद्भुत वर्णन। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।